कौन सी माँ अपने बच्चे की जो पत्नी है उसके लिए पूछ कटी कुती और गंदे गंदे शब्द जो मैं बोल नहीं सकती वो यूज करती होगी। तो मिथिलेश को आप कुछ कहना चाहती हैं, जवाब देना चाहती हैं? सर हम जवाब उनको हमारे वकील साहब देंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, बाकी मैं उस तरह उनकी तरह कोई गंदी गाली देकर गंदी बात करके मैं नहीं करना चाहूंगी, ये गलत है। वो कहती हैं कि आप यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रीति रिवाज जो है उसको खराब कर रही हैं। लोग, बच्चे जो आज देख रहे हैं आपको, वो क्या सीखेंगे आपसे कि कोई लड़की जो चार बच्चों की माँ है वो दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है, शादी कर लेती है, अपना देश छोड़ देती है? वो ये नहीं सीखेंगे सर, वो ये भी तो सीख सकते हैं कि एक औरत के साथ जुल्म होता हो, उसका कोई भी ना हो, वो अपने लिए आवाज उठा सकती है, वो अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती है। इस चीज को, वो इस चीज को गलत पहलू से क्यों देख रही है? वो मेरे साथ क्या जानती है वो मेरे बारे में सर? वो हैदर की भलाई कर रही हैदर के बारे में क्या जानती है जब वो दो दो पत्नी रख चुके हैं, अब तीसरी भी रख रहे हैं, वो उनको अच्छे लग रहे हैं, मुझ में उनको बुराई नजर आ रही है, उनको क्या पता मैं किस तरह मेरा जीवन गुजारा, वो मेरी जिंदगी के बारे में जानती ही क्या है सर? तो हैदर आपके साथ क्या करते थे? आपको मारते थे, आपको गालियां देते थे, आपको डराते थे, आपको खाना नहीं देते थे, क्या करते थे हैदर आपके साथ? वो चीजें पहले की थी, अब वो मेरे साथ तो नहीं थे ना, उन्होंने तक मेरी जो बेटी अभी 3 साल की है वो दो महीने की थी जब मेरे पेट में थी, वो मैं छोड़ के जा चुकी थी। पैसा तो भेजते थे वो? वो पैसा वो कभी पूछते भी नहीं थे, और उन्होंने वो बात बात पे ये कहते हैं कि सीमा जब मुझसे तलाक हो चुकी तो वो मतलब मेरे साथ क्यों रह रही थी? अरे कब रह रही थी? मैं तुम्हारे साथ, मैं अपने अब्बू के साथ रह रही थी, मैं अपने अब्बू के घर में रह रही थी, हम किराए पे रह रहे थे मैं और मेरा अब्बू। मेरे अब्बू के मर जाने के बाद कभी हैदर के बाप ने या हैदर की माँ ने, हैदर के भाई या हैदर के चाचा मामा है, कभी फोन करके मुझसे ये नहीं पूछा कि सीमा तुम कैसी हो, तुम्हारे बच्चों ने खाना खाया, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं, तुम्हारे बाप मर गए, मेरे अब्बू मर गए, कभी पूछा भी नहीं उन्होंने फोन करके। ऐसे शख्स के साथ में रहती, और दूसरी बार वो मुझे छोड़ चुके थे सर, मैंने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा। अब से पहले कभी वो 4 साल आपको भी वो औरत मिसाल देके कह रही थी, मैं देखा आपका न्यूज कि आपकी पत्नी ऐसे करे, अगर आप अपनी पत्नी को 4 साल पूछोगे नहीं, छोड़ के चले जाओगे 4 4 बच्चे देकर, तो वो क्या करेगी? वो जी आपको मिसाल कह रही थी जी ना, आप बिल्कुल मैं बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ वो ऐसा होता नहीं। मेरी पत्नी ऐसी है नहीं कि वो छोड़ के चली जाए, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हमारे परिवार में हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हैदर जिनसे आपका लव मैरिज हुआ था, जी यही सीमा, चीज मुझे इनसे मिल रही है जो आप कह रहे हो परिवार से बहुत प्यार, तो मुझे परिवार में प्यार मिल रहा है सर, मैं जी बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। जी अच्छा सीमा, जिस हैदर से आपने लव मैरिज की थी या जिनसे आपकी शादी हुई थी या फिर शादी के बाद आपको एक दूसरे से प्यार हुआ होगा, वो हैदर अब एक और शादी करने जा रहे हैं। उनका वीडियो सामने आया है कि अब वो एक और शादी कर रहे हैं और अपने बच्चों को लेने के लिए वो हिंदुस्तान आएंगे, बच्चों को लेकर जाएंगे। सर पहली बात तो एक, क्या वो 4 शादियां और कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं है, और रही बात बच्चों की, तो मेरे बच्चे तो उनको पहली बात पहचानेंगे भी नहीं, ये बहुत छोटे छोटे जब ये छोड़ के हमें चले गए थे, पहली बात पहचानेगी भी नहीं, और फिर दूसरी बात मैं यही यहाँ के कानून से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे बच्चों से एक बार पूछा जाए, क्योंकि उनकी माँ भी मैं थी, उनका बाप भी मैं ही थी। ठीक है।